बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एडोबी फ्लैश CS5 में ग्रेडियंट कलर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से ग्रेडियंट कलर्स जनरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ग्रेडियंट कलर जनरेट करने के लिए आपके पास जो पैनल मौजूद है वो कलर पैनल ही है जहाँ से आप ग्रेडियंट कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास स्टेज पर एक शेप जो है मैंने ड्रा की हुई है, मैं इस पर ग्रेडियंट कलर जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। फिल वक्त आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही कलर यूज़ हुआ हुआ है। इस किस्म के कलर को हम कहते हैं सॉलिड कलर, जबकि ग्रेडियंट कलर्स दो या दो से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है। व्यूअर्स, इसको ग्रेडियंट कलर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस शेप को पहले सिलेक्ट करता हूं और यहां से मैं कलर पैनल को सिलेक्ट करता हूं। व्यूअर्स, यहां देख रहे हैं आप सॉलिड कलर जो है कलर टाइप के तौर पर सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। दो किस्म के ग्रेडियंट हमारे पास मौजूद हैं, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। व्यूअर्स, पहले हम रेडियल ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं। रेडियल ग्रेडियंट बेसिकली ऐसा ग्रेडियंट है जिसमें सेंटर में कलर जो है वो कुछ और होता है और जैसे आप वो सेंटर से या रेडियस से बाहर की तरफ आप मूव करते हैं तो कलर जो है चेंज होता चला जाता है। इसमें फिल वक्त दो कलर्स हैं। व्यूवर्स, आप यहां से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये छोटे से आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं, इसमें से किसी एक बटन पर क्लिक कीजिए, आपको छोटा सा ब्लैक कलर का एक आइकन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कलर इस वक्त सिलेक्टेड है। अगर आप इस कलर पर क्लिक करेंगे तो ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से व्यूवर्स आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इस पर एक मरतबा क्लिक कीजिए, आपके पास पूरा कलर पैनल आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर को सिलेक्ट करता हूँ, डार्क ग्रीन कलर, और यहाँ पे भी मैं व्यूवर्स सेम वही कलर सिलेक्ट करता हूँ, डार्क ग्रीन कलर। और उसके बाद व्यूवर्स मैं इसकी ब्राइटनेस को, जो लेफ़्ट साइड पर मेरे पास कलर है, मैं इसकी ब्राइटनेस को चेंज कर देता हूँ। और देखिए व्यूवर्स, अगर मैं स्टेज पर क्लिक करूँ तो आप सेंटर में हमारे पास कलर कुछ और है, जब हम रेडियस से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास कलर कुछ और होता जाता है। इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर। और व्यूअर्स, ग्रेडियंट कलर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दो किस्म के हैं, रेडियल ग्रेडियंट और हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट बेसिकली लेफ्ट टू राइट ग्रेडियंट होता है। देखिए, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले मैं इमेज को सिलेक्ट करके कलर पैनल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अगर रेडियल ग्रेडियंट को के बजाय लीनियर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करता हूँ तो व्यूअर्स देखिए लेफ्ट टू राइट कलर जो है वो वेरी कर रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि आप ग्रेडियंट कलर में एक से ज़्यादा कलर, बल्कि जितने कलर्स भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जब कर्सर को लेकर आता हूँ, आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन मेरे पास कर्सर के साथ, मैं यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ तो एक नया कलर जो है मेरे पास कलर पिकर जनरेट हो गया। यहाँ से मैं कोई भी कलर जो है वो अपनी पसंद का सेव यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ब्लू कलर को यूज़ करना चाहता हूँ। अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इस कलर पैनल को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर व्यूअर्स मैं नया कलर जनरेट करता हूँ एक, जो कि ग्रेडियंट में मुझे यूज़ करना है, ब्लू कलर। व्यूअर्स देखिए, आपके पास शेप जो है कुछ और होगी। इस तरह से व्यूअर्स आप डिफरेंट ग्रेडियंट कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एडोबी फ्लैश CS5 में।